हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर करोड़ों की योजनाएं बनाकर प्रदेश में लागू कर रही है, लेकिन जनपद हमीरपुर का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश सरकार की मेहनत और योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहा है, जिसकी वानगी दिखने को तब मिली जब जिला अस्पताल में बीमार 6 बच्चों को एक नर्स द्वारा गलत तरीके से इंजेक्शन देने से सभी 6 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसमें एक मासूम बच्ची की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाने के बाद भाप दिलाने लगे, तेजी से उसकी छाती को दबाने लगे, उसके बाद फिर जवाब दे दिया, मैं कहीं कुछ नहीं मेरे बच्चे में। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लापरवाही के कारण ये बच्चों को इंजेक्शन या एक्सपायरी डेट हो या डोज ज्यादा हो इन बच्चों को दे दिया गया, तो एकदम ये बच्चे बेचैनी से फफाने लगे और वहाँ से बस कहने लगे कि ले जाओ इमरजेंसी, ले जाओ नीचे, ले जाओ। और नीचे आते एक बच्चा है, इसमें 2 बच्ची। कितने बच्चे थे लगभग वहाँ? बच्चे 2-3 बच्चे। क्या प्रॉब्लम थी बच्चों को? किसी की तबीयत खराब थी, किसी की कालरा का वो था, किसी की पेट में दर्द था। क्या नाम है आपका? चंद्र। हाँ सर, डिमुआ। बच्चा जब भर्ती हुआ था, इमरजेंसी से भर्ती हुआ था, बड़ा सीरियस बच्चा था, बायलेटर निमोनिया और क्रैप्स भरे हुए थे उसके चेस्ट में, सेप्टिसीमिया भी था उसको, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से उसकी बच्ची। परिजनों को आरोप है, परिजनों को गलत इलाज का आरोप है। इलाज तो हम लोग यही करते हैं, सारे बच्चों को इलाज करते हैं, सारे बच्चे सही हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं उनको बच्चे को हम रेफर करते हैं, रेफर के लिए भी बताया गया, लेकिन वो गरीब जाना नहीं चाहते, आप पे विश्वास है, आप हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।